बुड्ढा एक न एक दिवस तो हमारे प्राण लेकर ही मारेगा। वो दिवस आ ही गया धनी, यदि महाराज को ज्ञात भी हो गया तो महाराज मुर्गी के गर्दन की भांति हमारी गर्दन ऐंठ देंगे। महाराज की प्रिय पत्नी महारानी चिमना देवी के भाई की मुर्गी है वो, वासुदेव की मुर्गी है वो। धनी हम पकड़े गए तो हम कह देंगे हम तो गुरुदेव के आदेश अनुसार ही मुर्गी पकड़ने आए थे। बुड्ढे का नाम लेना ही सही है धनी। मुर्गी तो हमारा पीछा कर रही है। नहीं, मुर्गी का पीछा करेगी, इसे तो पता भी नहीं कि हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। धनी, ये मुर्गी कहना चाहती है कि मुझे सब कुछ ज्ञात है। चुप, कुछ ज्ञात नहीं मुर्गी को। इससे पहले कि ये मुर्गी कुछ कहे हमें अपना कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। नहीं धनी, ध्यान पूर्वक कार्य करेंगे हम, सब पता है मुझे। मनी, कहीं ये मुर्गी मुझ पर आक्रमण तो नहीं करेगी? अरे नहीं धनी, ये मुर्गी है, पड़ोसी राज्य का सेनापति नहीं, आक्रमण करेगी। ध्यान पूर्वक मुर्गी को पकड़ ले। पकड़ लेते हैं। मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी। इससे पहले कि वासुदेव जाग जाए हम इस मुर्गी को पकड़ लेते और गुरु के हवाले कर देते। चल। ईश्वर हमारी सहायता कर रहे हैं, गुड़ गोबर मत करना, हिलना मत। दिखाई नहीं दे रहा। शांत 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 शांत, मेरा गला दबा दिया तूने, मुर्गी नहीं है। गुरु जी को क्या कहेंगे? कोई भी बहाना बना देंगे, भागने करते पकड़े जाएंगे। वासुदेव, रूपवती शीघ्र आ जाएगी, आप भोजन ग्रहण कीजिए ना। महाराज देखिए ना, वासुदेव अनशन पर बैठ गए, भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे। अनशन? ये अनशन पे है महारानी जी, ये तो खाए जा रहे हैं। महाराज ये तो चिंता में भूले जा रहे हैं, अन्यथा ये तो कम ही भोजन ग्रहण करते हैं। जी मुझे रूपवती चाहिए, महाराज कुछ कीजिए ना।
अब एक चली गई तो इसमें रोने की क्या आवश्यकता है वसुदेव, और मुर्गी आ जाएगी। मुर्गी नहीं है, रूपपति है, रूपपति, मुझे रूपपति चाहिए। जी जी रूपपति आएगी, रूपपति। महाराज यदि आपने कुछ नहीं किया और हमारे वासुदेव की रूपपति को वापस नहीं लाए तो हम भी अनशन पर बैठ जाएंगे, अन्न और जल का त्याग कर देंगे। महारानी जी आप विचलित ना हो, हम अति शीघ्र कुछ करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। हमारे प्यारे भ्राता आराम से खाइए, इतना सारा भोजन है आपके गले में अटक जाएगा। हाँ आराम से खाइए, महारानी तिरुमलम्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है आपके लिए, खाइए खाइए। वसुदेव छोटी महारानी जी के हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे। अत्यंत गंभीर बात है पंडित रामकृष्ण, देख रहे ना? देख रहा हूँ महाराज, अच्छी तरह से देख रहा हूँ। सारा संसार एक तरफ और पत्नी का भाई एक तरफ। कुछ कहा आपने पंडित रामकृष्ण? नहीं 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 महाराज, मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि क्या हुआ। वह क्या है अर्थात मुर्गी? मंत्रीवर अब आप ही बताइए इस विषय में क्या किया जाए। महाराज हमें हमारे सिपाहियों को चारों दिशाओं में भेज देना चाहिए चोर को पकड़ने के लिए। वो चोर शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। अद्भुत विचार है, तो ऐसा ही कीजिए और उस चोर को पकड़ लीजिए, और एक बार वो चोर पकड़ा जाए और रूपपति अपने पास आ जाए तो उस चोर को चार कोड़े मरवा दीजिए। एक मुर्गी के लिए चार कोड़े? रूपपति है, रूपपति, मुर्गी नहीं है वो। हाँ क्षमा क्षमा, रूपपति रूपपति है। महाराज मात्र चार कोड़े? चार नहीं बड़ी महारानी जी, हम 100 कोड़े मरवा देंगे। 100 कोड़े महाराज? इतना ठीक? महाराज मात्र 100 कोड़े? जिसने हमारे भ्राता वासुदेव की ये हालत की है मात्र उसके लिए 100 कोड़े? ठीक है बड़ी महारानी जी, अब विचलित मत होइए, हम उस चोर को मृत्यु दंड देंगे। जी महाराज। मृत्यु दंड? हे भगवान अब मेरा क्या होगा? महाराज को विदित हुआ कि इस घटना में हमारा हाथ तो सर्वनाश हो जाएगा। तू तो अब गया, तेरी खैर नहीं। अगर महाराज तथाचार्य को पता लग गया तो तुझे तो मृत्यु दंड ही मिलेगा। मुर्गी तूने चुराई है, तू है मुर्गी चोर। आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा महाराज। ध्वनि तेरे भीतर से नहीं घर के बाहर से आ रही है।
वो शुभ लक्ष्मी की मुर्गी है ना, जब देखो घोड़ों को करती रहती है। शुभ लक्ष्मी से कह दो कि अपनी पक 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 मुर्गी को चुप कराए। शुभ लक्ष्मी अपनी मुर्गी को चुप कराओ। अयो ये हमारी मुर्गी नहीं है। अम्मा कह रही है कि ये अगर आपकी मुर्गी नहीं है तो क्या हमने अपने घर पे पक 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 मुर्गी पाल कर रखी है? अम्मा इस समय तो मेरी मुर्गी सो रही है, आपको तो पता वो दिन में सोती और रात में जगती, वो कैसे बोलेगी? लगता है सच ही कह रही है, ये आवाज हमारे घर में कहीं से आ रही है। अभी अंदर ही आने वाला था। तो वहाँ पीछे छुपकर क्या कर रहे थे? वहाँ वो अरे वो मैं मुर्गी की ध्वनि सुनी? आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कि वहीं से आ रही है? अरे नहीं नहीं अम्मा, क्या बोल रही हो, कौन सी मुर्गी? अरे आपने ध्वनि नहीं सुनी, उधर से आ रही है। अरे वो ध्वनि वो ध्वनि तो मैंने अपने मुंह से निकाली थी। कुकड़ों को देखो, तब तो आपके होठ नहीं हिले थे। पक्षी भाषा अम्मा, भूल गई, वो कठपुतली वाले से मैंने पक्षी भाषा सीखी थी। अब इसी भाषा में मैं इस सुगल लक्ष्मी की मुर्गी से बात करूंगा और उसे चुप कराऊंगा ताकि वो तुम्हारे विश्राम में व्यवधान न डाल सके। हाँ बड़ा परेशान करके रखा है इसने, तो मैं उसी का अभ्यास कर रहा था। तो तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अम्मा भोजन परोस दो ना, बड़ी भूख लग रही है। अम्मा भोजन भोजन, मैं अभ्यास करके आता हूँ। हाँ हाँ आते। चलो उस मुर्गी से पीछा छूट गया। इस भोजन का आयोजन हमने तुम्हारे लिए किया है, हमारे प्रिय शिष्य अत्यंत प्रसन्न है तुमसे। उस मुर्गी को समाप्त कर दिया तुमने, परंतु हम ये जानने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं कि अंततः इतने कठिन कार्य को तुमने संपन्न कैसे किया। गुरुजी कैसे बताएं, कार्य इतना कठिन था, हमने कैसे किया? कैसे बताएं? अवश्य अवश्य, कार्य तो कठिन था। हाँ गुरुजी, पर मनुष्य अगर निश्चय कर ले तो शेर को भी पकड़ के वश में कर ले, किंतु उस मुर्गी को पकड़ना तो अत्यंत कठिन था, किंतु हमने कर दिखाया। शाबाश शाबाश, परंतु तुम दोनों ने किया क्या? क्या बताएं गुरुजी? गुरुजी मुर्गी बहुत चंट थी मुर्गी, वो भी क्यों ना, वासुदेव की मुर्गी थी, राजसी मुर्गी थी, सूखे मेवे राजसी भोजन ग्रहण करने वाली मुर्गी थी। ऐसे कैसे हाथ में आ जाती गुरुजी? पकड़ा कैसे गुरुजी? सबसे पहले तो वो मुर्गी आगे भागी और मनी अपना मनी उस मुर्गी के पीछे भागा। जब दूसरी तरफ मुर्गी भागी तो धनी उसके पीछे भागा, जब हम उसके पीछे भागे तो मुर्गी हमारे पीछे, कभी हम आगे कभी मुर्गी पीछे, कभी मुर्गी पीछे कभी हम। बस आगे क्या हुआ? होना क्या था गुरुजी, बस
हम दोनों लपक के भिड गए मुर्गी से। फिर क्या, मुर्गी फुर से उड़ गई। फिर हमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक निकाली लंबी सी रस्सी। रस्सी? इस प्रसंग में रस्सी कहाँ से आ गई? गुरुजी आगे तो सुनिए आप। सुनाई। गुरुजी क्या हुआ, हमने सबसे पहले तो रस्सी निकाली और मुर्गी को ये लक्ष्य बनाकर फंदा बनाया रस्सी का, ये हमने फेंका रस्सी को मुर्गी की गर्दन पर। जैसे कि आपकी गर्दन फंस गई, वैसे मुर्गी की गर्दन फंस गई और मुझे उठा के फेंक दिया है। अरे मूर्खो, ये मुर्गी की गर्दन नहीं, ये हमारी गर्दन है। अरे छोड़ो निकाल। अरे लगता है बुड्ढा हमारी बातों में आ गया। इससे पहले बुड्ढा भिदक जाए, हमें जल्दी से भोजन चट कर देना चाहिए। खाओ खाओ, अवश्य खाओ, अभी तो और भी बहुत कुछ खिलाएंगे हम आपको। वरुण माला जी स्वामी, वो जो गरम करने के लिए रखा था ना, गरम हो गया होगा, गर्मा गर्म लेके आओ। जो आगे प्रभु। लगता है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आने वाली है। नहीं, पूड़ी तो यहाँ पड़ी, लगता है कचौड़ियाँ आने वाली है। स्वामी, ये जैसा कि आपने आदेश दिया था, संभल कर। गुरुजी, ये किसके लिए? गुरुजी ये अत्यंत ही उपयुक्त वस्तु है। सारी घटना का सत्य विवरण दो, क्या हुआ था, कहाँ गई वो मुर्गी? हमें चलाकर मिली है, हम शिष्य तो आपके ही हैं। जैसे आप कभी सफल नहीं होते, हमने भी कभी सफल होना नहीं सीखा। चुप मूर्ख, हम जानते थे तुम किसी कार्य के उपयुक्त नहीं। परंतु गुरुजी, आपको इस सत्य के बारे में पता कैसे चला? ऐसे ऐसे आप तो सचमुच महान है गुरुजी, जो कार्य कोई नहीं कर पाया आपने कर दिखाया, और वो भी अकेले। कान खोल के सुनो, राज दरबार में हमने रामा के वस्त्रों से ये मुर्गी का पंख करके देखा है। पूर्ण विश्वास है कि रामा उस मुर्गी के बारे में जानता है। तो आगे की क्या योजना है गुरुजी? उस पुष्ट मुर्गी को कैसे पकड़ेंगे? केवल मुर्गी ही नहीं, मुर्गे को भी पकड़ना है। और पकड़ना ही नहीं, उसे काटना भी है। गुरुजी, मुर्गा मुर्गी हमको समझे नहीं। गुरुजी नालायक हो, समझोगे भी नहीं, ये कम में हो तुम, कोई काम नहीं कर सकते, हमारा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं। पंडित रामा कृष्णा, अब तो तुम फंसे, बहुत बुरे फंसे। रूपवती, अरे चुप हो जा मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, चुप हो जा। मेरा भांडा फोड़ने पर तुली हुई है, इस रहस्य को रहस्य ही रहने दे। यदि अम्मा को पता चल गया कि मैं इस घर में मुर्गी को लेकर आया हूँ, तो वो मुझे लाठी से पीट कर मेरा कचूमर बना देंगी। और यदि महाराज को पता चल गया तो वो स्वयं यमराज बनकर मुझे सूली पर लटका देंगे। चुप हो जा, क्यों मेरे प्राणों की दुश्मन बनी हुई है, चुप हो जा। अरे मैं क्या करूं, इसे क्या से चुप कराऊं? इतने कादू वाले आ जा। नहीं, मुर्गी को कादू वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, चुप हो गई, अब किसी को कुछ पता नहीं
मुर्गी को घर में लाया, मैं अभी अम्मा को तब बताता। नहीं नहीं, रुक गुंडा पे, अरे गुंडा पे रुक, रे ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ? ये मैं तेरे लिए लेकर आया था, परंतु अब किसी और को दे दूँगा। क्या बोलता है? दंतिया। अंदर है ना? किसी और तो तू, मुझे तू नहीं। क्योंकि तू तो अम्मा को बताने वाला है ना कि मैं मुल्दी लेकर आया हूँ, तो देख क्यों तू ना बता ता, ता। मुल्दी? कौन थी मुल्दी? सुंदर मोहक दंतिया दिखाई दे रहे है ना? तू सत्य कह रहा है ना? बिल्कुल पक्का ना? दंतियों की टोकन एकदम पक्का। ये ले, ये ले। मुझे मुर्गी है दीदी। ये महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी है। क्या? लेकिन महाराज को पता चला तो? ये महारानी चिन्ना देवी के भाई वासुदेव की मुर्गी है। मगर तू ये यहाँ क्यों लाया? इसे मैं यहाँ नहीं लाया, मैं नहीं लाया। तो क्या ईद के मल्दी थे थिरते थिरते आ गए? हाँ गुंडप्पे, ऐसा ही हुआ था, ये स्वयं आई है। कहते? उस दिन अम्मा ने जब मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैंने सोचा इस मुर्गी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बस मैं इसे ढूंढते ढूंढते महल पहुंच गया। अगर ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हमारे हाथ लग जाए तो हम तो मालामाल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। आश्चर्य है, ये सोने के अंडे के पीछे सभी भ्रमित होकर घूम रहे हैं। मुर्गी पकड़कर बेच देते हैं, खूब माल मिलेगा। महारानी चिन्ना देवी के भ्राता वासुदेव कहते हैं ये मुर्गी सोने का अंडा देती है। सही कह रहे हो। ये पागल हो गए सबके सब, सोने के अंडे के चक्कर में। कहाँ गई मुर्गी? जब वासुदेव के कक्ष में पहुंचा तो वहाँ धनी मनी भी मुर्गी के लिए कुछ ऐसी ही योजना बना रहे थे। तब मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं इस मुर्गी को लाकर कुछ दिनों के लिए अपने पास छुपा दूं। मैं उस मुर्गी को लेकर वन में गया। क्षमा कर देना, ये सब करना पड़ रहा है, परंतु क्या करूं, ये करना आवश्यक है। पर तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तेरे भोजन पानी की पूरी व्यवस्था कर रखी है। हाँ, तू कुछ समय के लिए यहाँ सुरक्षित रहेगी। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं चलता हूँ। इस मुर्गी ने मेरा मस्तिष्क घुमा कर रख दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई पीछे आ रहा है। भ्रमित करके रख दिया इस मुर्गी ने। चलो, ये कार्य पूर्ण हुआ, मुक्ति मिली है। और फिर मैंने इसे यहाँ पीछे वाले कक्ष में छुपा दिया, परंतु ये तब से घर में भगदड़ मचा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे कैसे चुप कर रहा हूँ। तो पता है, उधर महाराज ने उस मुर्गी चोर के लिए मृत्यु दंड घोषित कर दिया है। क्या? तो बुला फतलामा।
तूने नया कुछ भी नहीं कहा। सदैव ऐसा ही होता है, लगता है ये समस्याएं कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। खाइए भ्राता, ठीक से खाइए। हे भगवान, इनके लिए भोजन बना बना के हमारा तो मुंह काला पड़ गया है। वाह, अब तो हमें भी महारानी तिरुमलम्मा के हाथ का बनाया भोजन स्वादिष्ट लगने लगा है। हे भगवान, अब शीघ्र ये मुर्गे मिल जाए। हमारे कहने का तात्पर्य है रूपवती, मुर्गी नहीं। हाँ, रूपवती है, रूपवती। रूपवती, वो देखो, वो देखो, हमारी रूपवती। वासुदेव रुक जाइए, वहाँ आपकी रूपवती नहीं है। इससे पूर्व कि हमें को यहाँ पर देख ले, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। चलिए कृष्ण देव राय। महाराज देखिए ना। जी जी महाराज जी, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। देखिए ना महाराज, इस अबोध बालक ने अपनी क्या दशा बना ली। बेचारा हमारा भ्राता, बेचारा अबोध बालक। महाराज, आपको पता है जब मैंने रूपवती से पूछा कि वो हमसे कितना प्रेम करती है तो उसने क्या कहा? हमें कैसे पता होगा, आपने हमें बताई नहीं। उसने कहा क्या? कहा पक 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 पक। महाराज, प्रतीत होता है कि इन्हें गहरा आघात पहुंचा है। हाँ महाराज, हमें भी ऐसे ही प्रतीत होता है। आप कुछ करते क्यों नहीं? हम कुछ महाराज की जय हो। बताइए गुरुवा, कैसे आना हुआ? महाराज, ऐसा शुभ समाचार लेकर आए हैं कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। शीघ्र बताइए क्या है वो समाचार। महाराज, हमें पता लगा लिया है कि महारानी चिन्ना देवी की भाई वासुदेव की मुर्गी कहाँ है। मुर्गी नहीं, रूपवती। अच्छा, आपको सच में पता है वो कहाँ? जरूर, आपको कैसे पता कि रूपवती कहाँ है? महाराज, प्रातः जब हम अनुष्ठान के लिए पूजा घर में बैठे थे तो हम ध्यान में इतने तल्लीन हो गए कि हमारी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो गई। भगवान शिव ने साक्षात हमें दर्शन दिए और हमें कहा कि हम ही हैं जो महाराज कृष्णदेव राय की समस्या का निवारण कर सकते हैं, अर्थात इनकी मुर्गी का पता लगा सकते हैं। मुर्गी नहीं, रूपवती। मुर्गी नहीं है वो। तो मुर्गी नहीं, तो मुर्गा होगा। मुर्गा नहीं, मुर्गी है वो। तो हमने मुर्गी तो कहा। अरे फिर से मुर्गी, मुर्गी नहीं, रूपवती, रूपवती है वो। अबे अबे अबे, शांत हो जाइए भ्राता, शांत हो जाइए। शांत, शांत हो जाइए। हाँ तो गुरुवर, अब आप हमें बताइए कि आप क्या बता रहे थे उस मुर्गी के रूपवती के बारे में। क्या क्या कह रहे? हाँ, हमारा जन कह रहे थे कि अब कहने सुनने का समय नहीं है, संकट बढ़ता जा रहा है महाराज। हमारे संग चलिए, हम आपको सब समझाते हैं। जी चलिए। रामा कृष्णा, अब तुम मुर्गी के साथ रंगे हाथों पकड़े जाओगे। तुम्हारा अंतिम क्रियाक्रम तो हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। चल गुंडप्पे, तेरी बारी। अरे वाह, ये खेल तो हम अपने बचपन में बहुत खेलते थे। छोड़, रहने दो रहने दो, इसे खेलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि। क्या मतलब, हम बुद्धिहीन हैं? नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी तीव्र है। तुम्हारे सामने मैं भी कच्चा खिलाड़ी हूँ, तुम तो बिल्कुल पक 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 पक। तुम तो शारदा हो, मैं तो पक पक पानी, ज्यादा पानी। हाँ, हाँ,
मुर्गी 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 मुर्गी। चुप कर, तुझे मुर्गा बना दूंगा। चुपचाप यहाँ खड़ा रहे। हाँ ये तो पंडित रामकृष्ण का निवास है। जी महाराज, यही वो प्रसंग है जो हम आपसे कह नहीं पा रहे थे। वास्तव में पंडित रामकृष्ण ने ही मुर्गी चुराई है, वही अपराधी है। पंडित रामकृष्ण? नहीं गुरु, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण ही अपराधी है। विश्वास नहीं हो रहा है कि पंडित रामकृष्ण। महाराज आप स्वयं चलकर परख लें, हम सत्य कह रहे हैं या नहीं। अभी सत्यापित हो जाएगा। आइए महाराज, आइए। महाराज, पंडित रामकृष्ण ने मुर्गी को पड़ोसी के घर में छिपा रखा है। अब ठहरिए, ऐसा प्रतीत होता है अपराध में पंडित रामकृष्ण के पड़ोसी भी सम्मिलित हैं। हम स्वयं जाकर देखते हैं महाराज, आप रुकिए। समझे नहीं गुरु जी। मुर्गा बनो, मुर्गा बनो। जी गुरु जी। भागो, भागो। शुभ लक्ष्मी की मुर्गी चुराने आए हो? वो दो दो नाम वाले रामकृष्णा के साथी हो ना? नहीं, हम अयो शर्म नहीं आती, शुभ लक्ष्मी के घर में जाते हो। अरे अरे धनमणि, धनमणि किसी काम के नहीं हो तुम दोनों। एक काय भी ठीक से नहीं कर सकते, एक मुर्गी तक नहीं पकड़ पाए। दूर हो जाओ हमारी आंखों के सामने से। जी गुरुजी। और तब तक मुख मत दिखाना जब तक किसी लायक नहीं हो जाते। महाराज, हमें नहीं लगता कि पंडित रामकृष्ण ऐसा कुछ कर सकते हैं। गुरु, और वो एक महिला चिल्ला रही थी वहां पर। हाँ महाराज, ऐसा प्रतीत होता है कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला है। हाँ, यदि उसे पता होता कि हम राज पुरोहित तथाचार्य हैं तो दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगती हमसे। अवश्य अवश्य मांगती, परंतु उस मुर्गी का क्या हुआ? मुर्गी? हाँ महाराज, हमने मुर्गी देखी। मुर्गी देखी आपने? वो दो अंडों पर बैठी थी, दो श्वेत अंडे। श्वेत अंडे? जी महाराज। फिर तो वसुदेव की मुर्गी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वसुदेव की मुर्गी तो स्वर्ण के अंडे देती है। स्वर्ण के अंडे? स्वर्ण के अंडे तो नहीं थे, अर्थात वसुदेव जी की मुर्गी नहीं है। प्रणाम महाराज। सब कुशल तो है? आपने क्यों कष्ट किया मुझे महल बुलवा लेते? पंडित रामकृष्ण, अपनी नाट्य कला का प्रदर्शन समाप्त कीजिए,
आपका भेद खुल चुका है। भेद? कौन सा भेद आचार्य? यही कि वासुदेव जी की मुर्गी इस घर में तुम्हारे पास है। क्या आपने वसुदेव की मुर्गी चुराई है? महाराज सत्य तो इनके मुख पर अंकित है, देखिए देखिए। हम अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। इस कृत्य पर विश्वास नहीं होता है पंडित रामकृष्ण। कहां है वो मुर्गी? मुर्गी इस टोकरी में है। तो निकालिए, निकालिए मुर्गी को, सिपाहियों को दीजिए और स्वयं भी आत्मसमर्पण कीजिए। मुर्गी कहाँ गई? मुर्गी कहाँ गई? पंडित रामकृष्ण मुर्गी कहाँ है? महाराज मैंने यही रखी थी मुर्गी। मुर्गी कहाँ गई? मुर्गी कहाँ गई है आप क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रश्न हम पूछेंगे, महाराज पूछेंगे, समस्त विजयनगर पूछेगा, अपितु समस्त राष्ट्र पूछेगा कि मुर्गी कहाँ गई। बताइए कहाँ है मुर्गी? वो मैं काट के कालिया होगा इस रामकृष्ण ने। कई दिनों से इच्छा थी इसकी। प्रतिदिन मुर्गी खाने की बात कर रहे थे ये। ए शादो, क्या क्या कह रही हो तुम? विचार अम्मा के सब केवल हमारे हैं। अम्मा क्या कह रही हो, मृत्यु दंड दिलवाओगी क्या? हे भगवान, मुर्गी खा गए। नहीं, राज से मुर्गी खा गए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अपने धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे क्या कह रही हो, बोलने का अवसर तो दो महाराज, मैं समझाता हूँ। क्या समझाएंगे आप? अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं है आपका, मुर्गी खा गए। महाराज इनकी माता जी और धर्मपत्नी का भी यही विचार है कि ये मुर्गी शिव 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 जो बोलने में हमारी जीवा अटक रही है वो इन्होंने कर दिया। इन पर विश्वास करते थे महाराज, इन पर, इन्होंने आपकी पीठ में छुरा मारा है महाराज। महारानी चिन्ना देवी की भ्राता वासुदेव की प्रिय मुर्गी को छुरा मारा। इन्होंने जीव हत्या नहीं की महाराज, इन्होंने आपके विश्वास की हत्या की। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो ये बहुत सोच समझ कर किया है आपने, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चुराई और फिर राशि मुर्गी की हत्या कर दी। महाराज इन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। दंड क्या महाराज, इनका तो समाज से बहिष्कार करना आवश्यक आवश्यक, विजयनगर से निष्कासित कर देना चाहिए। मैं आपसे अपेक्षा नहीं थी पंडित रामकृष्ण। महाराज और आज के पश्चात आप हमारे महल में अपने पैर नहीं रखेंगे पंडित रामकृष्ण। कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्यों पंडित रामकृष्णा, मुर्गी भारी पड़ गई? विजयनगर से प्रस्थान की तैयारी कर लीजिए आप।
इन्होंने खाई होगी मुर्गी, ये बोलना बड़ा आवश्यक था ना तुम्हारे लिए। ओ अम्मा, तुम क्या हूँ सर इलाका समर्थन कर रही हो, तुमने भी यही कहा कि मैंने मुर्गी खाई होगी। अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो अम्मा। मैंने मैंने तो ये सब नहीं कहा, वो तो तेरी पत्नी शारदा कह रही थी। अम्मा आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम कुछ अपनी मर्जी से थोड़ी ना कहते हैं, वो तो अम्मा इशारा कर करके लाठी ठोक ठोक कर हमसे कहलवाती है। देखो देखो, जिनका परिवार ऐसा हो उन्हें शत्रुओं की क्या आवश्यकता है। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप पक 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 मुर्गी को घर पे क्यों लेके आए। मैं तो बस उसकी सुरक्षा के लिए उसे पकड़ कर कुछ समय के लिए जंगल में सुरक्षित रखना चाहता था। मुझे क्या पता था वो रूपवती मेरे पीछे पड़ जाएगी। कौन है रूपवती और क्यों पड़ी आपके पीछे, हम उसकी टांगे तोड़ के उसके हाथ में दे देंगे। अरे रूपवती तुम्हारी वो पक 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 मुर्गी का नाम है, वो वासुदेव उसे प्यार से रूपवती कहता है। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए स्वयं को दरबार में निर्दोष कैसे सिद्ध करेंगे। मैं क्या सिद्ध करूं और कैसे सिद्ध करूं, जब मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी माँ सब यही मानते हैं कि मैं उसे काट कर खा गया। बोलो। परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अकस्मात वो मुर्गी घर से निकलकर चली कहाँ गई। रूपवती शांति से एक स्थान पर बैठने वाली नहीं है, कहाँ गई होगी। लामा पर तू क्यों तनाव में डाला है, उसे तो मैंने दे दिया। दे दिया? तूने दे दिया? तूने किसे दी होगी? अरे गुंडप्पे ये तूने क्या किया, तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी, बता बता किसे दिया उस मुर्गी को। लामा तू तो गलते दूर लगता था तारा, तू मुझ पे चिल्ला क्यों रहा है। अरे तुझे किसने कहा कि मैं उसे घर से दूर रखना चाहता था। देख मुझे सच सच बता, अन्यथा तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं, बता किसे दिया उस मुर्गी को। देख मुझे सच सच बता, अन्यथा तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं, बता किसे दिया उस मुर्गी को। वो दोनों तो थे। कौन दोनों? हे भगवान, पता नहीं अपने बुड्ढे को चाहिए क्या, कभी तो कहता है कि मुर्गी को पकड़ के लाओ और कभी कहता है कि मुर्गी स्वयं उसी के पास है। बुड्ढा हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है। हाँ। पता नहीं इस मुर्गी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। कैसी लाख से मुर्गी है ये तो मुझसे भी अधिक खाती है। मनी ये समय अवसर है गुरुजी को दिखाने का, होंडा सी चप्पलें पकड़ ले, जल्दी तो ये मुर्गी हाथ से नहीं जानी चाहिए। मैंने उन्हें ले जाने दिया, मुझे लगा तू मुर्गी से पीता तो लाना चाहता है। यदि तूने उन दोनों को पकड़ लिया होता तो आज मैं महाराज के सामने यूं अपराधी नहीं ठहराया गया होता। परंतु धनी मनी तो उस मुर्गी को आचार्य के घर में लेकर गए होंगे, तो इसका अर्थ यह है कि रूपवती इस समय आचार्य के घर में है। अरे वाह! आनंद ही आनंद, अब बुरे फंसे आचार्य। वाह 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 गुंडप्पे, तूने तो आज अविश्वसनीय कार्य किया है, अब मजा आएगा। ये भूमि ने क्या हुआ, अभी तो इतने क्रोधित थे अब अचानक से फसफसा से नृत्य करने लगे। महागुरु तथाचार्य की जय, महागुरु तथाचार्य की जय, महागुरु तथाचार्य की जय, महागुरु तथाचार्य की जय, महागुरु तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय हो आचार्यवर।
हम अत्यंत प्रसन्न हैं और हमें गर्व भी है कि आप हमारे राज दरबार की शोभा है। हमारे सप्त दिग्गजों में से आप सबसे अमूल्य रत्न हैं और आपकी दिव्य दृष्टि की हम सराहना करते हैं, जिसके कारण आज एक अपराधी पकड़ा गया है। आचार्य तथाचार्य, हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद मंत्रीवर। महाराज, मंत्रीवर। महाराज, अब समय आ गया है कि आप हमारे समक्ष उस अपराधी को प्रस्तुत करें। जी महाराज। क्षमा महाराज, क्षमा, रक्षा कीजिए गुरुवर, रक्षा कीजिए महाराज। केवल आप ही की बात सुनते हैं, कुछ कहिए गुरुवर, कुछ कहिए। तुम ही हो ना जो सदैव हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हो। महाराज के समक्ष हमें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहे। क्षमा करें आचार्य, मैंने सदैव आपको गलत समझने की भूल की, परंतु अब मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है। आप ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, दयालु हैं, आप महान हैं आचार्य, आप महान हैं। आचार्य तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय। आचार्य तथाचार्य की जय। गुरुजी, गुरुजी, मुर्गी। हे भगवान, गुरुजी ये ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, वासुदेव की मुर्गी है, रूपवती। रूपवती वासुदेव की मुर्गी को यहाँ क्यों ले आए? स्वामी की लीला भी अपरंपार है, क्यों क्या कर जाते हैं कोई नहीं जानता। जय हो प्रभु, जय हो। मुर्गी तुम्हें कहाँ मिल गई? गुरुदेव, आप ही तो कहते थे धनी मनी किसी काम के नहीं है, है ना? देखा, आज धनी मनी वही रूपवती मुर्गी को आपके लिए लेके आए हैं। अरे मूर्खो, तुम्हें यह स्मरण रहा कि मुर्गी को पकड़ना है, उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें ज्ञात नहीं? महाराज, आचार्य तथाचार्य तो कह रहे थे कि मुर्गी हमारे कहने का तात्पर्य है रूपवती पंडित रामकृष्ण के पास है, तो अब वो कहाँ चली गई? अब हमें स्वयं विदित नहीं है, क्या बताए कहाँ है रूपवती। रूपवती, हमारे रूपवती, कहाँ हो तुम? शांत हो जाइए भ्राता, शांत हो जाइए, रूपवती शीघ्र ही आ जाएगी। महाराज की जय हो। महाराज, अतिथि आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है? जी महाराज। स्वामी, रुकिए, क्या ये कौन है इस पालकी में? तेनाली। प्रणाम महाराज, ये मैं हूँ आपका सेवक रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, ये क्या तरीका अपनाया है आपने हमारे समक्ष आने का? महाराज, आप ही ने कहा था कि मैं अपने पैर महल में ना रखूं, तो मैं और क्या करता, अब कार्य भी अत्यंत आवश्यक था ना। तो आप इस प्रकार आए? देखिए महाराज, मैंने आपकी आज्ञा की अवज्ञा नहीं की, पालकी में आया हूँ, अपने पैर इस महल पे नहीं रखे। पंडित रामकृष्ण, हम इस समय हास परिहास की स्थिति में नहीं है, स्पष्ट रूप से बताइए हमें कि ऐसा क्या काम आन पड़ा है जो आपको ऐसे पालकी में आना पड़ा। महाराज, ये महारानी के भ्राता वासुदेव की मुर्गी के
नहीं 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 नहीं, रूपवती, रूपवती के संबंध में है। वासुदेव की रूपवती के संबंध में? जी महारानी जी, रूपवती के संबंध में। महाराज, यदि आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा है तो कृपया मेरे साथ चले, मुझे एक अवसर दे महाराज, कृपया मेरे साथ पधारे। महाराज, आप तनिक वासुदेव की स्थिति पर विचार कीजिए ना, आपको अवश्य जाना चाहिए। हमारे लिए जी, महारानी चिन्ना देवी जी, यदि आपकी इच्छा है तो हम अवश्य जाएंगे। चलिए महाराज, घुमा लो घुमा लो घुमा लो। रुकिए पंडित रामकृष्ण, क्या आपको ये उचित लग रहा है? यही कि हम पैदल जाएंगे और आप पालकी में आएंगे? परंतु आपकी आज्ञा की अवज्ञा भी तो नहीं कर सकता ना महाराज। आप अभी इसी क्षण पालकी से नीचे उतरिए और चलिए हमारे साथ पैदल। परंतु महाराज, पंडित रामकृष्ण, ये हमारी आज्ञा है, शीघ्र अति शीघ्र उसका पालन किया जाए। जो हो गया महाराज, रखो रखो पालकी नीचे रखो। चलिए महाराज। मूर्खो, ये तुमने क्या किया? अरे हमने तो पंडित रामकृष्ण पर आरोप लगाया था कि मुर्गी उसके पास है। परंतु गुरुजी, चुप। महाराज को पता चला ना तो मृत्यु दंड दे देंगे हमें। अरे हमारा मुंह क्या देख रहे हो? ये महाराज के साले वासुदेव की मुर्गी है। अरे पकड़ो इसे और बाहर निकालो, हमारे निवास से बाहर निकालो। पकड़ो पकड़ो। जी गुरुजी, अभी अभी पकड़ते हैं। ये तो गुरुवर का घर है ना? जी महाराज, इसी प्रयोजन से मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मुर्गी यही है आचार्य के घर में। आचार्य का कथन है कि मुर्गी आपके घर पर है और आप कह रहे हैं कि मुर्गी आचार्य के घर पे है। मेरा विश्वास करें महाराज, मुर्गी यही है, आप चलें और स्वयं देख लें। चलिए जी। आजा। मूर्खो, मुर्गी को बुला रहे हो किसी सुंदर कन्या को? गुरुजी, प्राय स्त्री को घूरना उस पर कुदृष्टि डालना हमारे स्वभाव में नहीं है, हमें क्षमा करें। हम तीनों मिलकर मुर्गी बच्चे को मार दे। भाग गई। भगवान की कृपा है, मुर्गी यहाँ से चली गई। हम मुर्गी को अपने आवास में छुपाने का अभियोग हम पर नहीं लगेगा। मुर्गी मुर्गी तोड़ गई, अब आप निश्चिंत तो जाइए। स्टूडेंट नहीं मिलेगा, आप बच गए। महाराज महाराज, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। मुर्गी तो पंडित रामकृष्ण के घर में थी, परंतु ये दोनों मूर्ख उसे पकड़कर यहाँ पे ले आए महाराज। यदि कोई दंड का पात्र है तो ये दोनों है महाराज। अच्छा, ये दोनों? महाराज, इन दोनों अपराधियों को तत्काल मृत्यु दंड दे देना चाहिए। तुम्हारे प्राणों की रक्षा कीजिए, हम आपके ही तो शिष्य हैं। गुरुजी, हम आपके प्रिय शिष्य हैं, आज्ञाकारी शिष्य हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी। गुरुवर, अपने शिष्यों से कहें कि शांत हो जाएं। जी महाराज। महाराज, मुर्गी मुर्गी क्या पंडित रामकृष्ण, मुर्गी तोड़ गई है और हमें हमारी मुर्गी वापस चाहिए। अब ये बताइए कि कौन वो मुर्गी पकड़ के लाएगा? महाराज, मृत्यु दंड की वजह से तो वो मुर्गी कोई पकड़ कर नहीं लाएगा, परंतु यदि हम पुरस्कार का प्रलोभन देंगे तो ये कार्य सफल हो सकता है। सुझाव तो उचित है पंडित रामकृष्ण। हम मुर्गी पकड़कर दरबार में लाने वाले व्यक्ति को 25 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप देंगे। गुरुवर, आपका क्या विचार है? उचित कह रहे हैं महाराज। गुरुजी, ये कैसा न्याय है? मुर्गी को हम पकड़े तो प्राण दंड, और कोई और पकड़े तो उसको पुरस्कार, ये कैसी विडंबना है गुरुजी? चुप। पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। हमें वो मुर्गी चाहिए, पुरस्कार की घोषणा कर दी जाए। जी महाराज।
शांत हो जाइए वासुदेव, शांत हो जाइए। आपकी मुर्गी मिल रूपति। हमारा मतलब है रूपति। महाराज जी, स्वर्ण के अंडे देने वाली मुर्गी तो मेरे पास है। मेरे पास है? झूठे, ये मुर्गी हमारे पास है। मेरी मुर्गी नहीं है, मेरी है। तुम लोग समझ नहीं रहे। मेरी मुर्गी है, मेरी मुर्गी है। महाराज, हम तो केवल एक मुर्गी खोज रहे थे, यहाँ तो अनेकों मुर्गियाँ उपस्थित। महाराज, बिना विचार विमर्श के बनाई गई योजना के परिणाम ऐसे ही होते। पंडित रामाकृष्णा की राय पर स्वर्ण का अंडा देने वाली मुर्गी लाने वाले पर 25,000 स्वर्ण मुद्राओं का पारितोषिक आपने घोषित किया था ना महाराज? लोभ ने भोली भाली प्रजा को लोभित बना दिया। सभी अपनी मुर्गियां लाकर अपने भाग्य की परीक्षा हेतु आ गए। पंडित रामाकृष्णा, बताइए कैसे ढूंढेंगे आप वासुदेव जी की रूपवती को? पंडित रामाकृष्णा। महाराज, आपके पास इस समस्या का समाधान है? एक उपाय है महाराज। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा महाराज, तनिक धैर्य रखें। धन्यवाद। काजू? वासुदेव की मुर्गी काजू खाती है? ए बंदू! क्या योजना है रामा? काजू देखते ही वासुदेव की मुर्गी भागते हुए आएगी। तूने तो समस्या का समाधान ही कर लिया। योजना थी, इतने काजू बादाम व्यर्थ नष्ट हो गए। लप्पे, तूने तो कहा था वासुदेव की मुर्गी काजू खाती है। मैंने कब कहा था? काली मुर्गी काजू खाती है, ये कब आई? अब मैं क्या करूं? महाराज, इन्होंने तो समस्या को और भी जटिल कर दिया। महाराज जी, आपका हमारा संपूर्ण दरबार का बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। महाराज, आपने कैसे व्यक्ति को मुख्य सलाहकार बना दिया जो एक मुर्गी तक नहीं ढूंढ सकता है? महाराज, एक उपाय और है मेरे पास। क्या? क्या आप अब मुर्गियों को खीर पूरी खिलाएंगे? क्यों हम सभी का समय नष्ट कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? महाराज, कृपया मुझे अंतिम अवसर तो प्रदान करें। कीजिए, और एक प्रयास कीजिए। जी। वासुदेव, जितना प्रेम आप अपनी रूपवती से करते हैं उतना ही स्नेह वो भी आपसे करती है ना? आप झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, हमारे रूपवती हमसे बहुत प्रेम करती है। तो आप सिद्ध कीजिए। क्या? यही कि रूपवती भी आपसे उतना ही प्रेम करती है। आप रूपवती को आवाज लगाइए और यदि वो आपकी पुकार सुनकर आपके समीप आ गई तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो भी आपसे उतना ही स्नेह करती है जितना कि आप उससे। अभी सिद्ध करते हैं। आइए। रूपवती लगता है अंडे दे रही है। अरे वाह, सोने के अंडे! क्या बात है, अंडे सोने के अंडे! ये
सोने के अंडे? क्या बात है? सोने के अंडे? ये देखिए, हमने कहा था ना, रूपवती स्वर्ण का अंडा देती है। अद्भुत वसुदेव, आपकी मुर्गी तो स्वर्ण का अंडा देती है। महारानी चिन्ना देवी जी महाराज, आप वसुदेव को उनकी मुर्गी अर्थात रूपवती सहित और उनके स्वर्ण के अंडे के सहित वापस राजमहल में ले जाएंगे। पंडित रामकृष्णा जी महाराज, आपकी चतुराई एवं आपकी बुद्धिमता स्वरूप आज हमारे वसुदेव को उनकी रूपवती पुनः एक बार मिल गई। आपका जितना धन्यवाद करें अल्प ही होगा, परंतु हमें एक बात अब तक समझ में नहीं आई, सर्वप्रथम आपने मुर्गी चुराई क्यों? क्षमा करें महाराज, परंतु आप ही के कारण ये सारा प्रपंच रचा गया है। हमारे कारण? आपने सबके समक्ष सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की बात कहकर रूपवती के प्राण संकट में डाल दिए थे। किस प्रकार? मनुष्य प्रवृत्ति से ही लोभी होता है, और यदि उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी प्राप्त होने की संभावना दिखे तब तो ये लोभ चौगुना हो जाता है। यहाँ सब उस मुर्गी को चुरा कर धनवान बनने का स्वप्न देख रहे थे। कथन तो सत्य आपका पंडित रामकृष्ण, हमसे ये तुच्छ त्रुटि हो ही गई। तुच्छ त्रुटि प्रभु, मेरे लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। आपके लिए तो वही उपयुक्त है। क्या? हम कह रहे थे कि महाराज, यदि आपके राज्य में पंडित रामकृष्ण और हमारे जैसे लोभ मुक्त, तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। निसंदेह गुरुवर, निसंदेह। पंडित रामकृष्ण बताइए, भेंट स्वरूप हम आपको क्या दे सकते हैं? उपहार में जो मैं आपसे चाहता हूँ वो मैं सबके समक्ष नहीं मांग सकता। तो आप हमारे समक्ष आकर कहिए। जी महाराज। महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। वासुदेव और उनकी मुर्गी को तुम्हें उनके राज्य भेज दीजिए, शीघ्र अति शीघ्र। पंडित रामकृष्ण, सत्य कहे तो हमारी भी वही मंशा है। सुबह सुबह ऐसे सदवचन, मैंने नींद में भी कुछ कर दिया क्या? यही तो रोना है, कुछ भी नहीं करते हैं आप। अच्छा, इस घर का प्रमुख कौन है? अब तुम्हारे रहते इस घर का प्रमुख कोई और हो सकता है क्या अम्मा? हाँ वो तो है, परंतु नगर वासियों की दृष्टि में इस घर का प्रमुख कौन है? मैं। तो अगर किसी को सहायता चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए? पता नहीं, घर के प्रमुख के पास अर्थात आपके पास, परंतु आप तो कोई कार्य करते नहीं है। अरे पर मैंने किया क्या है अम्मा? मेरा दोष क्या है जो मुझे इतनी सारी डांट खानी पड़ रही है? बताती सुनो, अम्मा मंदिर से लौट कर आ रही थी, तभी उन्होंने देवैया काका को देखा। मेरे खेत की सिंचाई में सहायता कर दो, और लोगों ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया। वो बहुत ही दुखी थे, वो अपने खेत की सिंचाई कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा था। पानी डालने के लिए कौन उनकी मदद करेगा? तो इसमें समस्या क्या है? देवैया काका को धन लेकर कार्य करने वाले सेवक रख लेने चाहिए। देवैया काका के पास धन नहीं है। अच्छा, तो हम उन्हें थोड़ा धन दे देंगे। हाँ? अरे धन क्या वृक्ष पर उगता है? नहीं, परंतु तुम चाहती क्या हो?
मैं स्वयं जाकर देवैया काका के खेत की सिंचाई करूं? हाँ, उठा लो पात्र, उठा लो और देवैया काका के खेत की सिंचाई करने में उनकी मदद करो। दूसरों के काम में मदद करना पुण्य का काम होता है। अरे, बच्चों का खेल है क्या खेत की सिंचाई करना? और यदि ये पुण्य कार्य मैंने किया ना, तो अगले वर्ष तुम दोनों मेरी पुण्य तिथि मना रही होगी। हाँ, ये तो हर कार्य के लिए ना ही कहना होता है। अम्मा कह रही है इन्होंने देवैया काका को वचन दिया है। अम्मा, आपको वचन नहीं देना चाहिए था, आप तो जानती हैं कोई कार्य नहीं करना चाहते। जानो जानो अम्मा, मानना नहीं चाह रहा हूँ। आते हुए सब्जी लेकर आइएगा। इस बुढ़े ने तो नाक में दम कर रखा है मेरे, पता नहीं कब मर जाए। भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। पंडित रामकृष्ण, प्रतीत होता है इस पोटली में कोई अति बहुमूल्य वस्तु है जिसे हृदय से लगाकर चले जा रहे हैं आप। क्या है कि महाराज ने पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं दी है? स्वर्ण मुद्राएं? क्या कर रहे हैं, धीरे बोलिए। मैं इन्हें सुरक्षित घर पे रखने जा रहा हूँ। अब आपका घर तो उस दिशा में है, वहाँ कहाँ चले जा रहे हैं? वो मैं आप दोनों से भेंट करने आ गया था। क्यों? अरे, यदि कोई चोर मेरे पीछे होगा तो मुझे आप दोनों शूरवीरों के साथ देखकर डर कर भाग नहीं जाएगा। इतनी स्वर्ण मुद्रा है इस पोटली में? पता नहीं, गिनती नहीं करी अभी तक। पोटली तो भरी हुई लगती है, लगता है अधिकाधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं। अर्थात एक दो स्वर्ण मुद्राएं यहाँ की वहाँ हो जाएं, तो आपको पता तो नहीं चलेगा। हाँ, सत्य कह रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, पोटली घर पे रखकर बाकी कार्य भी पूर्ण करने हैं ना, बहुत कार्य पड़े हैं। आप चिंतित ना होइए, आप अपने सारे कार्य पूर्ण कर लीजिए, ये पोटली हम आपके घर पहुँचा देंगे। सच में आप मेरी सहायता करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे, एक महान पंडित तो एक महान पंडित के कार्य आता है। धन्य हो, धन्य हो आप दोनों। लाइए पोटली जी, जरा संभाल के ना। आप निश्चिंत रहिए, मैं आप दोनों का अत्यंत आभारी हूँ, परंतु सतर्कता पूर्वक जाइएगा। जी जी, आप जाइए, हम पहुँचा देंगे पोटली। जी, मैं चलता हूँ। पंडित रामकृष्ण, ये पोटली अवश्य तुम्हारे घर पहुंचेगी, परंतु इस पोटली में कितनी स्वर्ण मुद्राएं होंगी इसका आश्वासन हम तुम्हें नहीं देते हैं। चल धनी, चल धनी। चल, इस पोटली में से कुछ स्वर्ण मुद्रा चुरा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले निश्चित कर ले कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा, मनी निकाल ले स्वर्ण मुद्रा है। धनी हो जाएंगे, ये पोटली खून नहीं रही। जल्दी खोल, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हमारी स्वर्ण मुद्राएं लेके भाग गया। अरे अरे, हमारी स्वर्ण मुद्राएं लेके भाग गया। स्वर्ण मुद्रा लेकर भाग गया, हमने बड़ी मेहनत से कमाया था। चलो चलो, स्वर्ण मुद्राएं लेके भाग गया।
अरे हमारी स्वर्ण मुद्राएं। चोर ने आपकी स्वर्ण मुद्राएं कुएं में डाल दी। पर वो तो हमारी पोटली नहीं है। हमारी पोटली तो आपकी नहीं है? नहीं, अर्थात पोटली जिसे मिले उसकी नहीं। धनी जल्दी से बाल्टी कुएं में डाल के स्वर्ण मुद्राएं निकाल। मेरी विनती करने पर तू मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा था। काका, कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अर्थात? दुख की बात है, परंतु सत्य तो यही कि बिना लोभ के कभी भी कोई किसी की सहायता नहीं करता। आपने देखा ना, स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में किस प्रकार सबने कुएं में से जल निकाल निकाल कर आपका पूरा खेत सींच दिया। सत्य कह रहे हो बेटा। काका, धन के लोभ में तो कभी कभी शव भी चिता से उठकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। रे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पैर क्यों पकड़ लिए? हम अत्यंत तुच्छ प्राणी हैं। हम आपके समक्ष कीट पतंगों के भांति हैं। हम तो मकोड़े के तुल्य हैं। हम तो मकोड़े के पैरों के धूल हैं। चींटी है, चींटी। हाँ, ये सब तो मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु प्रसंग क्या है, स्पष्ट तौर से बताइए। हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है पंडित रामकृष्ण। हमें क्षमा कर दीजिए पंडित रामकृष्ण। त्रुटि? कैसी त्रुटि? मैं कुछ समझा नहीं। हमसे वो पोटली चोर छीन कर ले गया। और वो चोर ने उस पोटली को कुएं में फेंक दिया। और इस चोर ने ऐसा ही कंबल ओढ़ के रखा था जो इस समय आपके पास है। और उस चोर की कद काठी भी बिल्कुल आपके जैसे ही थी। हमने उस चोर को ढूंढने का बहुत प्रयास किया पंडित रामकृष्ण। पोटली भी नहीं मिली। पोटली? कैसी पोटली? क्या ढूंढा आप लोगों ने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक तरह से समझाइए। आपको स्मरण नहीं, आपने हमें पोटली दी थी। नहीं, वो पोटली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी, वो भी स्मरण नहीं? नहीं। अरे वही पोटली जो आपने कहा था कि आपको महाराज ने पुरस्कार स्वरूप दी है, वो भी स्मरण नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ स्मरण नहीं। अच्छा, आप दोनों मेरे साथ परिहास कर रहे हैं, क्यों? वैसा ही समझ लीजिए, हम दोनों आपसे परिहास कर रहे थे। हमें हमें प्रातः काल से कोई मिला नहीं ना परिहास करने के लिए, इसीलिए। हमारे गुरुवर भी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो हमने सोचा आपसे क्यों ना परिहास कर लें, है ना धनी? हमें तो पता ही नहीं कौन सी पोटली कैसी पोटली कहाँ की पोटली। अच्छा, तो पंडित रामकृष्ण हम चलते हैं। जी जी, अवश्य, प्रणाम। रामकृष्ण को अत्यंत विचित्र सा व्यवहार कर रहे हैं। इतनी आश्चर्य सी बात है कि पंडित रामकृष्ण को अपने निवास स्थान का भी मार्ग ज्ञात नहीं है। कुछ तो है। जब अम्मा को पता चलेगा कि मैंने देवैया काका की सहायता कर दी है, तो अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी और मुझे दो चार दिनों तक कोई कार्य देंगी भी नहीं। अब शारदा, ओ शारदा माँ, देखो मैं घर आ गया हूँ। आप आ गए? सब्जियाँ नहीं लाए? सब्जियाँ? हमने आपसे कहा था ना, जब
घर लौट कर आएंगे तो सत्या साथ लेकर आए। तुमने कहा था, तुमने कब कहा था? माँ देखो तुम्हारा कार्य मैंने अच्छे से संपन्न कर दिया। कार्य? कौन सा कार्य? अरे तुम्हें तो कहा था देवैया काका की सहायता करने के लिए, तो मैंने और मेरे साथ साथ पूरे गांव ने, यहाँ तक कि धनी मनी ने भी उनके खेतों को सींचा है। वो सब तो ठीक, परंतु सब्जियाँ कहाँ हैं? सब्जियाँ तो मैं भूल गया। एक भी कार्य आपसे ठीक से नहीं होता, आपसे तो किसी कार्य की अपेक्षा करना ही बेकार है, हमें खुद ही सब्जियाँ लानी पड़ेगी। शारदा तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं, पंडित रामकृष्णा ने सोच समझ कर ये कार्य किया, सब्जी भाजी लाने में भला कितना समय लगता। ओ शुभ लक्ष्मी देवी। शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी। हाँ हाँ शुभ लक्ष्मी देवी, ये हमारा पारिवारिक प्रसंग है, इसके बीच में आपको बोलना उचित नहीं। ये पारिवारिक प्रसंग नहीं है, हर घर में सारे पुरुष ऐसे ही होते, ये तो सार्वजनिक प्रसंग है। आपके घर में होते होंगे ऐसे पुरुष, मैं तो बड़ा ही व्यवहारिक, कार्य कुशल और कर्मठ व्यक्ति हूँ। हाँ। परिवार के कार्य का बोझ उठा और जा जाके सब्जी लेकर आ। अरे वो तो मैं पहले कार्य के बोझ से बहुत थक गया हूँ, अब और कार्य मुझसे नहीं होंगे। अम्मा जा रहो, जा रहो, जा रहो, जा रहो, जा रहो। अरे मूर्खो क्या समाचार लाए हो? ऐसे कैसे बताने गुरुजी, पहले हमें पुरस्कार प्रदान कीजिए फिर बताएंगे शुभ समाचार। क्या वरुण माला को किसी क्रोधित सांड ने सिंह मार दिया? नहीं गुरुदेव, इससे भी अधिकाधिक शुभ समाचार है। देवी सौदामरी ने अपने दूध देश की तीनों अत्यधिक सुंदर बहनों को कुछ दिनों के लिए आमंत्रित कर दिया। अरे गुरुजी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत बड़ा खुशखबरी समाचार लेके आए आपके लिए। क्या पंडित रामकृष्णा को महाराज ने दरबार से निष्कासित कर दिया? नहीं गुरुदेव। जाओ जाके डोमरन नदी में। गुरुदेव हमारा शुभ समाचार तो पंडित रामकृष्णा के विषय में है। शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ, क्या 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 हुआ ऐसा? गुरुदेव हम जो शुभ समाचार लेकर के आए हैं उसकी सहायता से आप पंडित रामकृष्ण को अवश्य ही राज्यसभा से निष्कासित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित? शीघ्र बता, ऐसे ऐसे सुंदर स्वप्न मत दिखाओ हमें। गुरुदेव हमें पंडित रामकृष्ण की एक कमी के बारे में ज्ञात हुआ है। गुरुजी पंडित रामकृष्ण में एक ऐसी कमी है जिससे आप पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित करने में आपकी सहायता होगी। शीघ्र बताओ क्या? गुरुजी बताते हैं, सुनिए। सुना? बहुत अच्छा। हमने किया। ये लो। आपने बताया? गुरुजी वो भी एक? तुम हो ही इसी योग्य। गुरुजी हमने तो आपको इतनी महत्वपूर्ण सूचना बताई। मूर्ख हो गए राजकुमार हो तुम। पंडित रामकृष्णा ने अवश्य तुम्हें मूर्ख बनाया है, परंतु तुम दोनों ने पंडित रामकृष्णा के बारे में हमें एक उपाय दे दिया है। कौन सा उपाय गुरुजी? हमें भी बताइए। यदि हम दरबार में ये सिद्ध कर दें कि पंडित रामकृष्णा की स्मृति क्षीण हो गई है, महाराज स्वयं पंडित रामकृष्णा को दरबार से निष्कासित कर देंगे। अब जैसा हम कहें तुम दोनों वैसा करो।
हम तुम्हें और ताम्र मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान करेंगे पंडित रामकृष्ण को दरबार से निष्कासित करवाएंगे। पंडित रामकृष्ण महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की महाराज कृष्णदेव राय की। पंडित रामकृष्ण दरबार में दिखाई नहीं दे रहे महाराज। महाराज आज हमें विदित हुआ कि पंडित रामकृष्ण दरबार में विलंब से उपस्थित क्यों होते हैं। ऐसे छुपा रहे हैं महाराज। आप हमको पूरे दरबार को और यहाँ तक कि पूरे राज्य को भ्रमित कर रहे हैं। दुर्वर हम कुछ समझ नहीं पा रहे पंडित रामकृष्ण हमें भ्रमित कर रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा महाराज। इसमें पंडित रामकृष्ण का कोई दोष नहीं। ये रोग ही इस प्रकार का है महाराज। कैसा रोग दुर्वर? विस्मृति का रोग महाराज। जी हाँ हमारे पंडित रामकृष्ण प्लक्कड़पन के रोग से ग्रसित है। प्लक्कड़पन से? ये आप कैसे कह सकते हैं गुरुवर? महाराज यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप हमारे शिष्य धनी मनी से सत्य जान सकते हैं। जी महाराज सत्य है। कल सबके समक्ष बीच मार्ग में इन्हें पंडित रामकृष्ण ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी और भूल गए। स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली? जी हाँ महाराज वही पोटली आपने पुरस्कार स्वरूप पंडित रामकृष्ण को दी थी। हमने? परंतु गुरु हमें तो स्मरण नहीं हो रहा है कि हमने पंडित रामकृष्ण को कोई भी स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी हो। परंतु महाराज पंडित रामकृष्ण ने तो हमसे यही कहा था। महाराज ऐसा प्रतीत होता है आप भूल गए। आप है ही इतने दयालु उद्दार प्रतिदिन कभी भी किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे पुरस्कृत कर देते हैं। अब आप जैसे श्रेष्ठ उत्तम व्यक्ति को यह सब स्मरण रहेगा भी कहां भला। ये तो आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर। जी परंतु गुरुवर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण को अचानक ये रोग कैसे हो गया। ये तो प्रारंभ से ही था महाराज परंतु किसी को विदित नहीं हुआ। अब देखिए ना महाराज पंडित रामकृष्ण दरबार में विलंब से आते हैं। संभवतः वो दरबार में आने का मार्ग ही भूल जाते हैं।